नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सौरभ टेक्न्यूटर हूँ। आज मैं आपके सामने गैलेक्सी नोट 7 डिवाइस लेके आया हूँ। इसका फर्स्ट इंप्रेशन आपके सामने करूँगा। ये देखिए, ये जो डिवाइस है ये मेरे हाथ में है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो डिवाइस है ये आपको एंड्रॉयड 6.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलती है, और जो इसमें जो प्रोसेसर लगा है वो आपको ऑक्टा कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर प्लस 1.6 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड है, जो कि 64 बिट पे चलती है। अगर हम मेमोरी की बात करें तो रैम जो है इसमें 4GB की रैम है, और इंटरनल स्टोरेज आपको 64GB की है। इसकी जो स्क्रीन साइज है वो आपको 5.7 क्वाड HD ड्यूल एज सुपर एमोलेड स्क्रीन है, आप देख सकते हो। इसका जो बैक कैमरा है वो आपको 12 मेगापिक्सल का है, जो कि फ्लैश के साथ आता है, ये आप देख सकते हो। और जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 5 मेगापिक्सल है, और जिसमें कि इसके जो सामने के कैमरे के जो एपरेचर की वैल्यू है वो आपको 1.7 है, यानी लो लाइट में ये काफ़ी अच्छा आपको रहेगा। अगर हम बात करें इसकी बैटरी की, तो बैटरी है इस डिवाइस की वो आपको 3500 mAh की बैटरी है, जो कि आपको फास्ट चार्जिंग है, जो कि आप वायर्ड और वायरलेस दोनों आप कर सकते हैं। तो ये सारी बातें होगी इसकी स्पेसिफिकेशंस की। तो आइए अब हम इसके डिजाइनिंग की बात करते हैं। तो आप इस डिवाइस के ठीक ऊपर आप देखो, यहाँ पे इस जगह आप, ये आपको सिम ट्रे एरिया है, यहाँ पे आप सिम को इंसर्ट करोगे। इस डिवाइस के ठीक नीचे यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक है, और उसके ठीक बगल में आपको ये टाइप सी USB पोर्ट है, ये आप देख सकते हैं टाइप सी USB पोर्ट है। इसके ठीक बगल में आपको ये स्पीकर है, और ये आपको एस पेन है, आप देख सकते हैं ये एस पेन है, ये देखिए एस पेन काफ़ी सही है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बैक में आप ये देखो, इसका जो कैमरा है जो कि 12 मेगापिक्सल विद फ्लैश। तो अब हम इस डिवाइस के अंदर चलते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो डिवाइस के अंदर सबसे पहले हम इसके सेटिंग एरिया के अंदर चलते हैं। सेटिंग एरिया के अंदर ये देखिए, सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे सबसे ऊपर आपको ये देखिए कनेक्शंस है, कनेक्शन है, साउंड है, नोटिफिकेशन है, डिस्प्ले है, वॉलपेपर्स एंड थीम्स है, एडवांस फीचर्स है, डिवाइस मेंटेनेंस है, एप्लीकेशंस है, लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी है, क्लाउड एंड अकाउंट्स है, गूगल है, एक्सेसिबिलिटी है, जनरल मैनेजमेंट और यूजर मैनुअल। तो हम जनरल मैनेजमेंट में देखते हैं क्या क्या। ये देखिए, जनरल मैनेजमेंट के अंदर आप देखिए यहाँ पे आपको डाउनलोड अपडेट्स मैनुअली है, डाउनलोड अपडेट्स ऑटोमेटिकली है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे देखिए डिवाइस नेम सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 लिखा है। ये देखिए सॉफ्टवेयर इन्फो के अंदर ये सारे एंड्रॉयड वर्जन 6.0.1 है, ये सारी चीज़ें। अब हम यहाँ से बैक करते हैं और देखते हैं और क्या है। ये एक्सेसिबिलिटी के अंदर ये देखिए, इसके अंदर विजन है, हियरिंग, ये सारी चीज़ें हैं, डायरेक्ट लॉक है, डायरेक्ट एक्सेस है, नोटिफिकेशन रिमाइंडर है, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब हम यहाँ से बैक करते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन के अंदर ये देखिए, ये अभी लोड हो रहा है। एप्लीकेशन के अंदर ये सारे एप्लीकेशन है जो कि इस डिवाइस के अंदर इंस्टॉल्ड हैं, जो जिसको कि हम प्री लोडेड बोलते हैं या फिर ब्लोटवेयर बोलते हैं। अब डिवाइस मेंटेनेंस के अंदर ये देखिए, ये जो डिवाइस मेंटेनेंस के अंदर ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर ठीक नीचे ये चार टैब दिया हुआ है, और यहाँ से आप ऑप्टिमाइज करके इन चारों को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आप देखिए ये डन, ठीक है। तो ये देखिए बैटरी जो है यहाँ पे अवेलेबल दिखा रही है, वो आपको 6 घंटे 56 मिनट दिखा रही है। स्टोरेज जो है ये आपको इस डिवाइस के अंदर 44.1 GB फ्री है यहाँ पे दिखा रहा है, और जो रैम है वो आपको 1.8 GB फ्री दिखा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है डिवाइस मैनेजमेंट मेंटेनेंस के अंदर, ताकि आप इसको जान सको कि आपके डिवाइस के अंदर क्या है। ये देखिए एडवांस फीचर्स के अंदर ये देखिए एस पेन है, स्मार्ट स्टे है, गेम्स है, वन हैंडेड ऑपरेशन है, क्विक लॉन्च कैमरा है, पॉपअप व्यू जेस्टर, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं जो भी एडवांस जेस्टर्स होते हैं मोशन से रिलेटेड। इसके अलावा नोटिफिकेशन के अंदर आप जिस भी ऐप की आपको नोटिफिकेशन चाहिए इनेबल या डिसेबल करना है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अब हम यहाँ से बैक चलते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके अंदर ऐप कौन कौन से हैं, प्रीलोडेड ऐप। तो सैमसंग की जो फोल्डर है उसके अंदर ये देखिए आपको वॉइस रिकॉर्डर है, ईमेल है, फाइल्स है, इंटरनेट है, एस हेल्थ है, एस वॉइस है, गैलेक्सी ऐप्स है, सैमसंग गियर है, और पेनअप है। इसके अलावा सिक्योर फोल्डर है, ठीक। गूगल के अंदर ये आपको गूगल के जो स्टॉक ऐप हैं वो सारे हैं, जैसे गूगल है, क्रोम है, जीमेल है, यूट्यूब है, ये सारे हैं। बैक करते हैं। सोशल के अंदर आपको इंस्टाग्राम प्रीलोडेड आता है, मैसेंजर आता है, और व्हाट्सएप आता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऐप कौन कौन से हैं, इसके अंदर वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वन ड्राइव है, वन नोट है, स्काइप है, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारे आपको प्रीलोडेड ऐप्स है। अगर हम कैमरे की अगर बात करें,
कैमरा जो इस डिवाइस के अंदर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहले मैं आपको इसके जो मोड्स हैं इस कैमरे के अंदर वो मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए इसके अंदर ये सारे मोड्स हैं, जैसे कि ऑटो है, प्रो है, पैनोरामा है, सिलेक्टिव फोकस है, स्लो मोशन है, हाइपरलैप्स है, फूड है, वर्चुअल शॉट है, वीडियो कॉलाज है और लाइव ब्रॉडकास्ट, यानी आप लाइव ब्रॉडकास्ट भी इससे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये गियर आइकन पे आप क्लिक करके इसके कैमरे के सेटिंग के अंदर आप जा सकते हो, जैसे कि आप पिक्चर साइज सेट कर सकते हो। ये देखिए ये सारी चीज़ें, वीडियो साइज, पिक्चर साइज, ये सारी चीज़ें, ग्रिड लाइंस, जो भी आपको सेट करना है वो कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों अब मैं इससे लिया हुआ जो इमेज है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये इमेज की क्वालिटी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी डिटेलिंग आ रही है। और ये लो लाइट फोटोग्राफी है, यानी वर्चुअल लाइट में मैंने ये लिया है इवेंट के दौरान। ये देखिए इसकी भी फोटो अच्छी है। ये देखिए ये फ्रंट कैमरा इससे मैंने लिया है, फोटो काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हो कि मेरे जो मोल्स हैं नोच के ऊपर वो काफ़ी सही आ रहे हैं। ये देखिए ये भी इसका फ्रंट कैमरा है। तो ओवरऑल इस मुझे अच्छा लगा। तो अब इससे मैं बैक होता हूँ, ठीक है। अब मैं जल्दी से आपको इसकी जो नोटिफिकेशन एरिया है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये नोटिफिकेशन एरिया है, जिसमें कि आपको वाईफाई है, साउंड है, ब्लूटूथ है, ऑटो रोटेट है, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, ये सारे। अब हम इसके अंदर एक और जो फीचर है वो मैं दिखाऊंगा। ये देखिए ये जो फीचर है, ये देखिए ये आपको एप्स एज फीचर है। आपको जो जो ऐप को एज के ऊपर रखना है आप रख सकते हो, जैसे इसमें कॉन्टैक्ट है, मैसेजेज है, फ़ोन है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप जो जो फ़ोन या फिर जिस चीज़ को भी आपको रखना है, देखिए यहाँ पे आपको जो क्लोजेस्ट कॉन्टैक्ट है उसको आप पीपल एज के ऊपर रख सकते हो, ताकि आप एक बार यहीं से क्लिक करो और उनको फ़ोन लग जाए। इसके अलावा टास्क एज, ये देखिए ये सारी चीज़ें भी हैं, तो ये आप इसको मैनुअली ऐसे सेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसमें जो एस पेन आता है इस डिवाइस के अंदर। ये देखिए ये एस पेन है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको जैसे हम निकालेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ देखो आप, ये इनेबल हो जाता है, इनेबल हो गया। अब हम इसमें जैसे कि नॉर्मल में दिखाता हूँ, क्रिएट नोट, क्रिएट नोट पे जाके मैं कुछ भी लिखा, ठीक है, ये देखो ये मैं कुछ भी, ठीक, आराम से आप लिख सकते हो। अगर आपको ब्रश को यूज करना है तो ब्रश को भी यूज करके आप लिख सकते हो कुछ भी। देखिए ये काफ़ी सही चीज़ है। अगर आपको इसी समय आपको इसकी जो स्क्रीन जो भी आपने लिखा है उसको सिलेक्ट करना है, तो ये देखिए आपको स्मार्ट सिलेक्ट का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करो और बस आपने इसको ऐसे आपने सेलेक्ट किया। आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे आप देखिए यहाँ पे नीचे आपको तीन ऑप्शन है, ड्रॉ, शेयर और सेव। तो अगर आपने इसको सेव करना है आप इसको सेव कर दीजिए। देखिए ये चीज़ आपको सेव हो गई। अब आप बैक खोलो, डिस्कार्ड। इसके अलावा इसके अंदर और दो हैं, स्क्रीन राइट है, ट्रांसलेट है, मैग्नीफाई है और ग्लांस। ये सारी चीज़ें आपको एस पेन के थ्रू है। अगर अब हम एस पेन को देखते हैं, ये देखिए ये एस पेन जो है ये भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे सैमसंग की ब्रांडिंग की गई है। ये देखिए तो दोस्तों ये मेरा आपको फर्स्ट इम्प्रेशन था सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 का। होप आपको ये अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा जो चैनल टेक्न्यूटर है इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अधिक से अधिक वीडियो को देख सकें। अगला वीडियो मैं जल्द लेके आऊँगा, तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर, थैंक यू।